दर्शकों, आज की काम की बात है भोजन से संबंधित। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कहां पर भोजन करना चाहिए, भोजन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है। देखिए, सबसे उपयुक्त स्थान है रसोई घर। पहले माताएं जो थीं वो भोजन जब रसोई में बनाती थीं तो पूरा परिवार रसोई में बैठकर ही खाता था। फिर धीरे धीरे जगह का अभाव हुआ तो लोग डाइनिंग हॉल पे आ गए, अपने बेडरूम तक चले गए। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूँ कि रसोई में भोजन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, काफ़ी लंबे समय से आप इलाज भी करा रहे हैं, तो कुछ दिन ये उपाय करके देखिए, रसोई में बैठकर भोजन करिए। वहीं दूसरी ओर जो भोजन रसोई में करते हैं उनको कभी भी रोग नहीं परेशान करते, उनको आरोग्यता प्रदान होती है। लेकिन अब आप रसोई से निकल के सीधे बेडरूम में खाने लगे तो बिस्तर में बैठकर खाने से रोग आता है। ये चॉइस अपने पास है, ये पुरानी परंपराओं में ये एक साइंटिफिक बात है कि आप अगर अग्नि तत्व में, वास्तु में, अगर जहाँ अग्नि तत्व है वहाँ जाएंगे तो पाचन अच्छा होगा, और यदि आप बिस्तर में बैठ के खाएंगे तो वहाँ पर रोग आएंगे, आपको स्वप्न भी खाते हुए आएंगे, और खाते हुए स्वप्न आने का अर्थ है कि रोग आने वाला है। जो लोग भोजन में रसोई में भोजन नहीं कर सकते हैं तो ओपन किचन, यानी कि आप रसोई के पास में कोई डाइनिंग टेबल में वहाँ भोजन कर सकते हैं। देखिए, जितना नज़दीक आप रसोई के भोजन करेंगे उतना आपको लाभ होगा।